तो भाई आज का हमारा कुछ ये सीन है कि हम करने वाले हैं अपने घर की सफाई, क्योंकि अभी अभी हम उठे हैं, ठीक है, और हमारे घर का कुछ यह हाल है, तो आज हम करने वाले हैं घर की सफाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वेलकम करते हैं आप लोगों का एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। और मेरी बहन के आने से पहले पहले हम करेंगे कि हमने आज तुम्हारे बदले का काम खुद किया है और हम करने जा रहे हैं तुम्हारे बदले की सफाई। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा जो है ना हड हराम हूँ, और आज हम करने जा रहे हैं वो सफाई, और मतलब आज सरप्राइज़ देने वाले हैं हम उसे। तो चलिए चलते हैं और उसका काम समेटते हैं। और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, लेकिन अब शुरू करना पड़ेगा काम करना। तो चलिए चलते हैं और करते हैं घर की सफाइयाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये बेड है हमारे मम्मा पापा का बिस्तर, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को मेरी आवाज़ स्पीकर वाली अच्छी आ रही है, क्योंकि मेरा खुद का टैलेंट इतना अच्छा है, स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऐसी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी सफाई कार्यक्रम। जल्दी से, मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, यहाँ की सफाई करके वहाँ फेंक दो, वहाँ की सफाई करके यहाँ फेंक दो, हो गया। तो भाई हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंबल ड्रे करने से स्टार्ट किया हमने। सो यार लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया आज वो काम कर रहे हैं, सब क्लैपिंग कर रहे हैं, कैमरे में नहीं आ रहे। जिस बंदे ने आज तक कोई काम नहीं किया आज वो मेरे साथ काम करवा रहे हैं। ये देखिए आप लोग सब छोड़े क्या करो, जल्दी फोकस करो। सही है, जिन्होंने आज तक किसी का काम नहीं करवाया आज वो हमारे साथ घर का काम करवा रहे। ओह माय गॉड बॉब, आज का दिन मम्मा के लिए खूबसूरत तरीन होने वाला है। जिन्होंने कोई काम नहीं किया आज वो काम करने जा रहे हैं। काम के साथ मस्ती अभी चलेंगी। ये लो, ये तो देखो किसी का दिन कर ली मेरी मेहरबानी समझो, मुझे तो आती भी नहीं है। ओ बहुत बारी है, इतना बारी बारी इतना बारी बारी उठा कैसे लेते हैं, आई डोंट नो बॉस। कम से कम 10 ब्लैंकेट निकले और इतने भारी भारी हैं, कौन उठाता होगा, अल्लाह माफ करे। अच्छा ये काम उससे का है, तो आज इसको शाबाशी हम खुद देते हैं। कितनी बारी बारी खुद तय करती है, लेकिन मम्मा करके देती है उसे। मम्मा भी हेल्प करती है, मैं नहीं करती, मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ। लेकिन आज मैं और पापा जो घर के सबसे हड़ हराम बंदे हैं वो ही आज काम करने जा रहे हैं। तो क्लैपिंग। पापा अपने लिए क्लैपिंग नहीं करोगे? नहीं नहीं। बाकी करेंगे मम्मा। तो भाई फाइनली हमने सारी गुदड़ियां, जिसे कहते हैं ब्लैंकेट, वो तय कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने और पापा की मेहनत, मेरी और पापा की मेहनत, ठीक है। इतनी भारी भारी थी, इतनी भारी भारी थी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बहुत भारी थी। तो ये जो है ना, ये मेरी मम्मा ने हल्के, क्योंकि ये बहुत भारी होता है, हमसे ना उठा पाएगा भाई, ठीक है। तो अभी जो है ना ये सिलसिला बचा है, इसे भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ जो है ना महाराजा महारानी बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय किया, इनकी भी जो है ना शॉर्ट्स बनेंगे भी। हाँ भाई बड़े बड़े लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बनाने जा रहे हैं, जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। आप ही को बोलो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? ये बड़े बड़े लोग हो गए भाई, हमें काम लगाएंगे। सही बात है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी सफाई। बहुत थक चुके मेरी सांस फूली है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी अब मेरा बिस्तर है जो मैं सफाई करने जा रही हूँ, ठीक है जी। कैमरामैन फोकस करें और नीचे थोड़ा सा दिखा दें जो मैं सफाई करने जा रही हूँ, ठीक है जी। तो बस ये मेरा बिस्तर है और मैं ये समेटने जा रही हूँ। मेरा इतना सा बिस्तर है, यूं यूं समेट जाता, देखो दो तकिया लगा और समेट गया। ये लो हो गया मेरा काम। अब
झाड़ू जाना है वो भी हम ही कर लेते, क्या करे बेचारी पे आएगी स्कूल से काम करेगी, हम खुद ही कर लेते उसका काम भी, झाड़ू भी हम खुद लगा लेंगे, पोछा भी हम खुद लगा लेंगे। ठीक है जी, सही हो गया, फिट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से वेलकम, आदिश भाई हो चुकी है हमारी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ दुनिया की सबसे महंगी तरीन झाड़ू, ठीक है। और ये हमने खरीदी थी तकरीबन $100 की। हाँ हाँ $100। ये है हमारी झाड़ू, हमारा सब कुछ, हमारा मान, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा सम्मान। तो ये झाड़ू से हम लोग झाड़ू लगाने वाले हैं। आप लोग करीब से चेक कर लो कितनी प्यारी झाड़ू है, $100 में कहाँ मिलती है भाई। तो ये झाड़ू तब से ऐसी है जब से हमारे पापा कंपनी गए हैं, हम उनसे जब भी बोलते हैं भाई झाड़ू ला, तो क्या कहते हैं, पैसा नहीं है, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। तो ये झाड़ू आज हम लगाने वाले हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। $100 की झाड़ू है, अगर किसी को बाय करनी है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप नहीं लोगों को फ्री गिफ्ट करूंगी, $100 की झाड़ू फ्री गिफ्ट कर रही हूँ। चलो जी स्टार्ट करते अपनी झाड़ू कार्यक्रम, ठीक है। पहले हम डस्टिंग करेंगे फिर झाड़ू स्टार्ट करेंगे। शोर हो रहा है, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करें क्योंकि हमारे घर में कपड़े भी धुल रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी हम झाड़ू और सफाई डस्टिंग करने जा रहे हैं। हमारा वालेटी चेक करें जो कि आज तक चला ही नहीं है 6 साल से अब तक। भाई बिल आ जाएगा अगर हम चला लेंगे इसे, तो पहले तो हमारा केबल का बिल, फिर वाईफाई का बिल, और फिर जब ये चलेगा तो बिजली का बिल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तभी हम लोग नहीं चलाते, समझे समझे कि नहीं समझे। तो डस्टिंग हो गई है हमारी, अब हमारा जो है ना वो प्रोसेस है झाड़ू प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा झाड़ू प्रोसेस, ओके। ये लास्ट है हमारा, फिर हम पोछा लगाएंगे, ठीक है। पोछा लगाएंगे हम। मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताती हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले आप लोगों ने इसको यूं 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 करके जो है ना पहले झाड़ना है, ठीक है, मुंह पे नहीं झाड़ना, नीचे झाड़ना है, और उसके बाद लगा के उसके बाद जो ना आपने स्टार्ट करनी है अपनी घर की झाड़ू सफाई करना। और मैं पहली बार लगा रही हूँ तो मैं ऐसे झाड़ू दूंगी। और हमें आपको पता है इतनी ज्यादा कमजोरी भी, तो हमारे लिए जूस भी बनेगा अभी, टेंशन नॉट, है ना, है ना, है ना, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया, गजब बेइज्जती है, या मतलब नहीं बनने वाला, छोड़ो। हाँ तो मैं कह रही थी अब हमारे जो है ना हाफ झाड़ू हो चुके हैं, हाफ झाड़ू अभी यहाँ की जो है ना जो ये सहन क्या कहते हैं, तो इसे हम सफाई करने के बाद जो है ना आपको दिखाती हूँ, फिर हाफ झाड़ू हो गई, हाफ झाड़ू बाकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी हाफ झाड़ू कम्प्लीट करते हैं और फिर जाके हम सुकून से लेटेंगे, ठीक है। A few moments later. पापा कैसा लग रहा है आज आपकी सबसे हड़ाराम बेटी काम कर रही है। सुबह से घर साफ हो रहा है पर वैसे ही लग रहा है। आपकी शक्ल नजर आ रही है, कितना अच्छा साफ किया मैंने। मोबाइल के कैमरे में थोड़ी देखनी है, घर में देखनी है। मोबाइल के कैमरे में देखने को मिली, मैं यहाँ की सफाई की बात करूँ, कभी ना ना मेरी साइड नहीं लिया और ना लेंगे। भाई अपने काम पे फोकस करो, चलो स्टार्ट करते हैं आप पोछा लगाना। चलो भाई, ये आदमी आप लोगों को हर जगह नजर आएगा। म्यूजिक बात तो सही है। चलो, जब से नानी आई है तो ये तखत जो है ना पहले मेरा हुआ करते थे, लेकिन जब से नानी हमारे घर में आई है तब से ही नानी का कब्जा है, और फिर उसके बाद जो है ना हमने उसे नानी को दे दिया, मतलब मैंने, ठीक है। पीछे देखो, पीछे। चलो
ये सफाई करने नहीं देंगे मुझे, नहीं देंगे सफाई करने। आज इनकी सबसे जो है ना काम चोर बच्ची जो है काम करने आ रही, तो इनको पसंद नहीं आ रहा क्या मैं काम करूं, मतलब इनको नहीं पसंद कि मैं काम करूं। माय गॉड मैं कहां जाऊं। सो गाइस हमारी जो सफाई है घर का, जो हमने आज सफाई का जो ये लिया हुआ था चैलेंज, वो आज जो है ना कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो आप लोग उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो लोग हड़हराम हैं, कामचोर हैं, मतलब कि आपकी बेटियां, उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। और वो सोशल मीडिया एक्टिवेटर है जो काम नहीं करती, उनको ये वीडियो दिखाएं, बोलें ये वीडियो बनाओ, वो भी तुम्हारे लिए चैलेंज है, ठीक है। तो क्या पता वो आप लोगों की बात सुन के वीडियो बना लें और आपके घर का काम आसान हो जाए, क्यों ना ये हो जाए। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत की मैंने, मेरी सांस भी फूल गई और मुझे वीकनेस भी है तो मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए किया और मैंने पोछा भी लगाया, डस्टिंग भी की, पूरे घर को समेटा भी। तो आप लोगों के लिए इतना प्यार तो बनता है, ठीक है। और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार बरसा है, इस वीडियो को लाइक कॉमेंट्स लाजमी करें कि नेक्स्ट वीडियो चैलेंज कौन सा होना चाहिए। अरे आवाज बंद कर लो, कॉपीराइट आ जाएगा। और शेयर लाजमी कीजिएगा अपनी सारी बेटियों के साथ, सारी कमचोर बेटियों के साथ। चले जी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैलेंज, क्या देते हैं सब। अच्छा जी नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो हमारा शीशा सफाई है, ठीक है। मिरर को हम लोग चमकाने वाले हैं, आप लोग हमारे मिरर की हालत देख सकते हैं, ये कुछ हमारे मिरर की हालत है, ठीक है जी। आ रही हूँ, ठीक है। जो ये जो है ना हमारे मिरर की आप लोग कुछ ऐसी हालत देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे करने जा रहे हैं सफाई, ठीक है। हम इसे चमकाने वाले, आप लोग देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि हम इसे चमकाएंगे और इसे बिल्कुल क्लीन अप कर देंगे, ओके। शुरू करते हैं इसकी सफाई। नेक्स्ट चैलेंज हमें ये मिला है कि हमें करना है घर का शीशा साफ। तो गाइस हम सबकी गुड मॉर्निंग जो है ना वैसे होती है, तीन डब्बे वाले, नहीं नहीं तीन डब्बे वाला है। तो हमारी जो है ना गुड मॉर्निंग ऐसे होती है, तीन डब्बे वाले आए, मिर्च वाले, सब्जी वाले, आरिया पकोड़े वाला, जलिया पकोड़े गरम, हमारी सुबह ऐसे होती है, समझ गए आप लोग। अभी भी बाहर कौन आया हुआ है, क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं यार, क्या, अबे जल्दी बोल, क्या बोलते हैं उसे, 2000 years later, तीन डब्बे वाला आया हुआ अभी, तीन डब्बे वाला, सुनिए हमारी जो सुबह ऐसे होती है टीम डब्बे वाले से। अब जो है ना हम जा रहे हैं अपने शीशे को साफ करने, ओके। One eternity later. Finally, हमारा पूरा घर साफ हो चुका है, पूरा घर चमक चुका है, लेकिन फिर भी ये घर की सफाइयाँ एक हफ्ते बाद फिर होंगी। मैं डेली तो झाड़ू पोछा ये सब होता रहता है, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर से घर की सेटिंग होगी, क्योंकि हमारी मामा को सुकून नहीं है, एक जगह को चीज रखा रहे। तो एक हफ्ते के बाद फिर से ये चेंज होगी जगह वगैरह सब कुछ। तो जी आप लोग ये ब्लॉग लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी न्यू वीडियोज के साथ, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआएं देते जाइएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप लोगों को एक न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।